नहीं कथा तो समझे भैया बड़े समय हम लोग पाठ चार रीना की शादी इसका अध्ययन कर रहे हैं जिसमें एक ही मात्रा का ज्ञान कराया जा रहा है। तो भैया मैं लोग इसे पढ़ना भी है और लिखना भी है। कथा काल में जो ये काम हमने किया है इसको आपको लिखना भी है और पढ़ना भी है। ये पढ़ेंगे इसको रीना रीला की बड़ी दीदी थी कल उसकी शादी थी शादी पर रीना की सखी रीना आई वह अपनी चाची भी साथ लाई जमीन पर नीली पीली बाहरी दरी बिछी थी। ये भैया मैं लोग कक्षा काल में आपको एक पन्ने पर काम करना है दूसरे पन्ने पर लाइन छोड़ते हुए ये जयकार पूर्ण करना है रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें आगे दो दो शब्द दिए हुए हैं सामने उनमें से एक शब्द चुन के भरना है। काखंड में लिखा है लीना खाली जगह की बड़ी दीदी थी। अब लीना किसकी बड़ी दीदी थी इसमें शब्द दिए हुए हैं एक लीना और एक लीला। तो इसमें जो भरा जाएगा वो शब्द है लीना। उसके बाद भैया बहनों घर पर फूल की घर पर की लड़ी सही थी दो शब्द आगे दिए हुए हैं बिजली फूल। तो इसमें जो भरा जाएगा वो फूल भरा जाएगा सही शब्द से। उसके बाद भैया बहनों अगला है बिजली चमकी छतरी लाई। अब कौन छतरी लाई दो शब्द दिए हैं एक चाची एक दादी। तो इसमें दादी छतरी लाई तो ये दादी भरा जाएगा। तो ये भैया बहनों जयकार का कार्य आपको दूसरे पन्ने पर करना है। पहले पन्ने पर इसको लिखना भी है और पढ़ना भी है साथ साथ भैया बहनों की परीक्षा की तैयारी भी करनी है क्योंकि 15 अगस्त के बाद आपका पहला टेस्ट होगा उसमें आपका पार्ट 1 से 3 तक